इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम। अहम खबरों पर एक नजर। कहर कोरोना का जारी है, आज फिर कोरोना मुतासरीन की तादाद 250 के करीब रही तो डिस्चार्ज होने वाले भी 500 के करीब रहे। आज काफ़ी बड़ी तादाद में लोग डिस्चार्ज हुए, यह इत्मीनान की खबर रही। पर मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। बेलगाम शहर, अथनी, बैलोंगल, रामदुर्ग, सौंदती, खानापुर से ज़्यादातर पॉजिटिव मरीज पाए गए। शनिचर के रोज से 15 मौतों को दर्ज किया गया। आज भी 20 से ज्यादा मरीज ICU में जेर इलाज हैं, जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बेलगाम शहर अतराफ में पिछले 2 दिन में बारिश थमी हुई नजर आई, जिससे बाजारों में काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। पर कुछ जगहों पर ताजिरों ने खुद ही बाजार बंद करने के फैसले लिए हैं, जिससे कुछ लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। बाजार को बंद रखने से छोटे ताजिर, जिनका कारोबार सड़क पर रहता है, मायूस नजर आए। बेलगाम शहर में गरीब, मजदूर, छोटे ताजिर, जिनका सड़क पर फल फ्रूट बेचने का कारोबार रहता है, जो सुबह से शाम तक तिजारत कर फरोख्त कर कुछ रुपए अपने घर ले जाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। पर कुछ अमीर ताजिर कोरोना के डर से दुकानों को बंद करने का फैसला ले रहे हैं, जिससे सड़क पर तिजारत कर गुजारा करने वाले मुतासिर हो रहे हैं। एक और हासिल इत्तला के मुताबिक छोटे ताजिर, फेरी वाले, फल फ्रूट बेचने वालों का भी कोरोना टेस्ट करने का हुक्म मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को दिया है, जिससे डर खौफ का माहौल छोटे ताजिरों में दिखाई दे रहा है। हुकूमत का कहना यह है कि कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं फल फ्रूट सब्जी किराना बेचने वालों की तरफ से तेज़ी से फैलता है, लिहाजा इन तमाम का कोरोना टेस्ट जरूरी है। वहीं दूसरी ओर छोटे ताजिरानी के फल फ्रूट बेचने वालों को कहीं पॉजिटिव ना कर दे, ऐसा डर इन्हें लग रहा है। वाजह रहे कि बेलगाम बिम्स में कई ऐसे मामले पेश आए हैं, जिससे अवाम में काफ़ी डर फैला हुआ है। एक ही शख्स के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नतीजे पाए जा रहे हैं। बेलगाम कोरोना मुतासरीन की तादाद ने 5000 का आंकड़ा पार किया है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर खबर हासिल हुई है कि रियासत के वजीर सेहत ही कि सेहत ख़राब हो गई है। हेल्थ मिनिस्टर यानी वजीर सेहत श्री रामुलु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि जब वजीर ही पॉजिटिव पाए गए तो आवाम का क्या। पर दूसरी तरफ यह भी शक किया जा रहा है कि वजीर मरकजी हो या रियासत के सड़कों पर तो नहीं घूमते, और कई सारे टेस्ट होने के बाद कोई शख्स इन तक पहुँचता है, इनकी फाइलें पहुँचती है, इन तक चीज़ें पहुँचने से पहले 10 बार टेस्ट होता है, फिर श्रीरामुलु हो या अमित शाह, तमाम एहतियाती तदाबीर जो 100-100 बार तहकीक के बाद कोई चीज़ इन तक पहुंचती है, फिर इन्हें कैसे कोरोना होता है। सच्चाई है या आवाम को सिर्फ तसल्ली देने के लिए या ख़बरों को बटोरने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा भी सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। एम्बुलेंस बेकाबू होने से मरीज के साथ ही पलटी, मरीज ड्राइवर शदीद जख्मी। मरीज को वक्त पर पहुंचाकर मरीज की जान बचाने का काम एम्बुलेंस करती है, पर आज होनगा के करीब मरीज को और बीमार करने वाली एम्बुलेंस पाई गई। तेज चलने वाली एम्बुलेंस अचानक बेकाबू होने से एम्बुलेंस ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी मरीज के साथ ही पुनः बेंगलोर हाईवे छोड़कर सर्विस रोड पर पलट गई। यह वाकया शाम 4 बजे होनगे के करीब अमल में है। एडवोकेट जी मुडवाल मठ अब हमारे बीच नहीं रहे। बेलगाम बार एसोसिएशन सदर रह चुके एडवोकेट जी मुडवाल मठ की बीमारी से मौत हो गई। वाजा रहे कि जी मुडवाल मठ की उम्र 65 थी और मशहूर वकलाओं में इनका शुमार था। शिवाजी पुतले को लेकर आखिर मनगुत्ती गांव में फसाद बरपा हुआ। मनगुत्ती गांव में शिवाजी के पुतले को बिठाने के मद्देनजर मामला पुरखुशीद बनता जा रहा है, लिहाजा आज गांव में पथराव, लाठीचार्ज और 2 गिरोह आपस में टकराने की वारदात अमल में आई। शिवाजी पुतले की मुखालफत के बाद शिवाजी के पुतले को चबूतरे से उतारा गया और उसे ग्राम पंचायत दफ्तर में रखा गया। वाजह रहे कि बिना गांव वालों की इजाज़त कुछ मराठी लोगों ने, खासकर शिवसेना का जिक्र गांव वालों ने किया, और किसी भी गांव में, खासकर मनगुत्ती, बेलकनहल्ली, बोलशानट्टी गांव में शिवसेना दाखिल ना हो
अब यह मामला कन्नड़ मराठी बनता जा रहा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र से मराठी लोगों ने चलो मनगुत्ती का नारा दिया है। लिहाजा आज गांव में फिर से शिवाजी का पुतला बिठाने के लिए मराठी लोग इकट्ठा हुए थे, तो दूसरी तरफ शिवाजी के पुतले की मुखालफत करने वाले भी जमा हुए। काफी तनाव का माहौल रहा, जिसमें पथराव लाठियों का इस्तेमाल किया गया। एक खातून को भी पीटने की खबर हासिल हुई। वाजा रहे कि कुछ लोगों ने शिवाजी के पुतले को गांव के दरमियान में चबूतरे पर बिठाने का फैसला लिया और पुतले को रात में बिठाया भी गया, पर बिना इजाजत पुतले को नहीं बिठाया जाएगा और दिगर गांव वालों से मशवरा किए बिना पुतला बिठाने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा यह मामले ने आज शिद्दत इख्तियार कर ली और दो गिरोह यानी कि कन्नड़ और मराठी आपस में टकराए। पुलिस ने फौरी तौर पर मामले पर काबू तो पा लिया है, पर गांव के कन्नड़ लोगों ने शिवसेना को गांव में दाखिल होने नहीं देंगे ऐसा कहा। गांव वालों ने यह भी कहा कि मराठी कन्नड़ हमारे से मिलजुल कर रहते हैं, पर महाराष्ट्र से यहां किसी को आने की जरूरत नहीं है। राम सेना, हिंदू सेना और दिगर शिद्दत पसंद तंजीमों के लीडरों ने भी यहां पर हाजिरी दी, लिहाजा मामला तशद्दुद में तब्दील हो चुका है। कुछ अफरादों को गिरफ्तार भी करने की खबर है। मराठी कन्नड़ जो अख्तलाफ कुछ हद तक खत्म हुआ था, जो अब शायद इस शिवाजी के पुतले को लेकर दोबारा सुलग सकता है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।